क्वेश्चन फोर्थ बता रहा हूँ मैं, 8.1 एक्सरसाइज का। ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो चुकी है और इसमें 8.1 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे लिखा है 15 क्वार्टर इज इक्वल टू 8 लिखा है। सॉल्व 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कुछ रफ़र आपको बता दूं मैं, यहाँ पे थोड़ा सा यही लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ लिखेंगे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, और यहाँ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इस तरह से। और अब ये तो अलग से बात, हर एक में आपको आना चाहिए। देखिए कॉट ए, तो कॉट ए का क्या होगा, पहले एक इसका डायग्राम भी बना लेते हैं हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और ए बी सी इस तरह से लिख देंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए कॉट ए, कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट का क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कॉट ए, ये थीटा है ए, तो बेस कितना होगा ए बी, तो यहाँ पे बेस कितना होगा इसका, देखो कॉट ए बराबर नहीं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेस ये हो गया 8 सिंपल, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ये हो गया बी सी 15, ये हो गया। लो जो वैल्यू दी है वो ये आ जाएगी, बेस की जगह पे तो 8 आ गया, परपेंडिकुलर की जगह 15 आ गया। अब ये हाइपोटेन्यूज आपको पता करना है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी सी, और बेस कितना 8 प्लस परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 8 8 या 64 प्लस 15 का कितना होता है 225 होता है, 15 into 15 225, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 64, और ये दोनों जोड़ दो 289, तो ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 289। ठीक है ना, तो ए सी इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, तो यहाँ पे आ गया 17। ठीक है ना, अब हम सॉल्व करेंगे जो हमें दिया है। नाउ देखो साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए, साइन ए की बात कर रहे हैं तो ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो देखो साइन की वैल्यू यहाँ से देखो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो ये 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। इसके बाद हम लिखेंगे सेक ए, तो इस सेक में क्या है देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एच अपॉन बी, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17 अपॉन बेस, बेस कितना है 8, बस यही आंसर है आप, इतना ही बताना था, लिख लीजिए इसको।